खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर उपखंड प्रशासन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु उपखंड अधिकारी नोहर पंकज गढ़वाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल जारी कर दिया है, उसके तहत आज यहाँ मीडिया के साथ मीडिया बंधुओं के साथ मीटिंग ली गई और उनको सेंसिटाइज किया गया। उनको बताया गया किस तरह एमसीएमसी काम करती है, किस तरह सी विजिल काम करता है और यह अपेक्षा की जाती है कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसके अंदर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा और आप सभी जो आईटी एक्ट है और जो अपने पत्रिका की जो न्यूज़पेपर की गाइडलाइन होती है उसके तहत कार्य करेंगे और प्रशासन को भी इस तरह से मदद करेंगे कि चुनाव एकदम स्वतंत्र हो। सर, कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए हमने यहाँ पे 3 FST लगाई जो राउंड द क्लॉक काम करेंगी। 3 SST लगेंगी जब जिस दिन वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, 20 तारीख से नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे 32 है और सेक्टर में साथ में जो CO साहब है इनके साथ और डिस्ट्रिक्ट साहब से उनके जो क्रिटिकल बूथ होते हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, पुलिस जाब्ता में उपलब्ध हो जाए अच्छी तरह और कोई भी शिकायत है कहीं भी ऐसी घटना ना हो इसके लिए हम 24x7 हमारा कंट्रोल रूम स्थापित है और प्रशासन और पुलिस एकदम हाथ मिला के काम कर रही है।